चैनल नसरीन किचन एंड ब्लॉग्स में आज की रेसिपी है संडे स्पेशल सिंपल मटन करी। झटपट बनने वाला मटन करी दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये मटन है ये, और बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटे हुए टमाटे और हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई मेथी भाजी, बारीक कटी हुई कोथिमीर। अब चलिए मैं बनाते हुए दिखाती हूँ आपको। देखिए गैस पे कुकर रख चुके हूँ, हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसी में डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, प्याज को हल्के से भून लेंगे। देखिए इसमें डालेंगे मेथी की भाजी और हरी मिर्ची, और इसको भी एक बार अच्छे से भून लेंगे। मटन में मेथी की भाजी ज़रूर डालिए। चलिए अब इसी में डालेंगे टमाटर। इसको भी अच्छे से भून देंगे इसको टमाटरों को। ढक्कन डाल देंगे। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन एक डेढ़ चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी, और टेस्ट के हिसाब से नमक, और दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी में डालेंगे मटन। देखिए इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। सिंपल और इजी झटपट बनने वाला मटन करी है ये, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को क्लिक कीजिए। अब इसको ढक्कन डाल के भून लेंगे। चलिए मटन अच्छे से भून चुका है, इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करके फिर से ढक्कन लगा के एक 3 विजिल आने तक होने देंगे इसको। ये देखिए इसको ढक्कन लगा देंगे। खाओ देंगे ना, खाओ खा मम्मू खाओ। शेरू 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 खाओ। पायल पायल आओ आओ, पायल आओ, पायल आओ आओ।
इसमें देखिए गुड़ जल चुका है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे कोथमीर, गरम मसाला पाउडर, और धनिया पाउडर, डाल के अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेके दम पे रख देंगे। यही है, एक दो मिनट के लिए दम पे रख देंगे। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए हमारा मटन करी बनके तैयार है माशाल्लाह। सिंपल मटन करी है ये, झटपट बनने वाला। अब इसको डिश आउट करके मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए हमारा सिंपल मटन करी बनके तैयार है माशाल्लाह। बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी और स्पाइसी सिंपल मटन करी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे बताइए तरीके से, और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। झटपट बनने वाला, और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए, और ऑल ऑप्शन को भी क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक दीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी अगले रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।